आ गया आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं ऑटो पैसा। दोस्तों आज हम बात करेंगे निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में, जो काफ़ी अच्छा फंड है दोस्तों। इससे अच्छा फंड शायद ही कोई स्मॉल कैप में होगा दोस्तों, क्योंकि इसका रिटर्न सबसे अच्छा है। देखिए मैंने आपके स्क्रीन पे लगा रखा है ये निपोन इंडिया का, जो 25% का रिटर्न मिला है दोस्तों। एनुअल रिटर्न 25% का मिला हुआ है, 25 से ऊपर ये लगभग 26% के आसपास में। यहाँ पे देखिए मैंने ऑल टाइम लगा रखा है, जब से ये फंड का शुरुआत हुआ था 2013 से, उसके बाद ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि आप देख नहीं सकते। देखिए ये आप करेक्शन देख सकते हैं जो 2019-20 में हुआ था, उसके बाद ये कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है दोस्तों। देखिए एक पिछले 1-1.5 साल से मार्केट इसी रेंज में घूम रहा था, लेकिन ये क्या किया दोस्तों, ये मार्केट से आगे निकल के यानी ब्रेकआउट करके आगे निकल गया है, काफ़ी आगे निकल गया है। ठीक है, मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है और ये भी ऑल टाइम हाई से ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो ये फंड काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों मुझे। अगर आपको इस फंड में निवेश करना है तो काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि देखिए दोस्तों इतना अच्छा फंड है कि इसमें वन टाइम बंद हो गया है। यहाँ पे वन टाइम आप देख सकते हैं, वन टाइम इन्वेस्ट नॉट अलाउड, यानी फंड का साइज इतना बढ़ गया है कि आप वन टाइम कर ही नहीं सकते। ठीक है, सिर्फ SIP कर सकते हैं। SIP का सुविधा इसमें ये अच्छा है कि छोटा से छोटा निवेशक कर सकता है, क्योंकि 100 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। पहले इसमें 2000 रुपये से शुरुआत करना था, लेकिन जैसे जैसे ये फंड का साइज़ बढ़ता गया वैसे वैसे इसका जो SIP रेट है वो कम हो गया, यानी 100 रुपये से आप निवेश कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ 100 रुपये है, उससे निवेश कर सकते हैं। अगर इस फंड को आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, बिना झिझक के ले सकते हैं दोस्तों, खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए SIP कर सकते हैं या वन टाइम तो कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, SIP आप 2000-5000 जितने रुपए हैं आपके पास उतने रुपए से आप कर सकते हैं। तो एक बार हम चल के देख लेते हैं कि इसका फंड का साइज़ है वो कितना बड़ा है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे फंड का साइज़ हमने निकाल दिया है, 31,000 करोड़ इसमें देशवासियों ने पैसे लगाए हुए हैं। इतना बड़ा फंड का साइज़ बढ़ गया दोस्तों, इसीलिए वन टाइम बंद करना पड़ा, अब SIP चालू करना पड़ा। देखिए 100 रुपये से आप SIP चालू कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले 2000 था आप 100 रुपये कर दिया है। आपके पास जितने भी पैसे हैं आप उससे शुरू कर सकते हैं, 2000, 4000, 5000 जितने भी पैसे हैं आप SIP शुरू कर सकते हैं दोस्तों। अब हम देख लेते हैं होल्डिंग में कौन कौन सी कंपनियां हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं होल्डिंग में 165 कंपनी है, 165 कंपनी में पैसे लगे हुए हैं दोस्तों। 165 कंपनी कभी नहीं डूब सकती, इसमें डूबेगी, मान लीजिए डूब जाए, 2-4-5 डूब जाए, लेकिन बाकी की कंपनियाँ बची रहेगी, इसीलिए 165 कंपनी में है। काफ़ी अच्छा मुझे फंड लगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है यानी कितने परसेंट पैसे कितने कौन सी कंपनी में लगा हुआ है। देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा पैसे इसमें लगे हुए हैं जो ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसमें 3.3% इसमें पैसे लगे हुए हैं। उसके बाद किस में लगे हैं, HDFC में। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी में कितने पैसे लगे हुए हैं। यहाँ पे सीमोर करके, सीओल करके आगे भी देख सकते हैं, सारी कंपनियां दिख जाएगी, सारी कंपनियां इंडिया की है दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं इसमें स्मॉल कैप की कंपनियां हैं और मिड कैप की कंपनियां इसमें है, जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसीलिए इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल रहा है। आप देख सकते हैं 165 कंपनियों का नाम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए कितना लंबा लिस्ट है दोस्तों, और इसके बारे में जो भी डिटेल है सारा चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इक्विटी में जो हम पैसे डालेंगे इक्विटी में ही इन्वेस्ट होगा, 96% इक्विटी में है और 3% कैश है दोस्तों। ठीक है, बाकी यहाँ भी देख सकते हैं कौन कौन से सेक्टर में आपका पैसा लगा हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आदर्श में है, उसके बाद कैपिटल गुड है, उसके बाद फाइनेंशियल है, उसके बाद केमिकल है, उसके बाद सर्विस है, उसके बाद कंज्यूमर है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ऑटोमोबाइल में भी 6% लगा हुआ है, हेल्थ केयर में भी 5% लगा हुआ है। कहने का मतलब है यानी जितने भी सेक्टर हैं सारे सेक्टरों में पैसे लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ लगे हुए हैं, यानी सारे सेक्टर परफॉर्म करेंगे तो आपका पैसा ग्रो करेगा, इसीलिए ये फंड मुझे काफ़ी बेस्ट लगा। ठीक है, इस फंड को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप मंथली SIP करके काफ़ी अच्छे अपने फंड को ग्रो कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।